हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल आज़ाद गार्डन। अगर आपको मेरा आगे बनने वाला वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन दबाइए, तो आपके सब्सक्राइब में मेरा वीडियो जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा। आज मैं आपको अरेलिया प्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ। अरेलिया प्लांट बहुत किस्म के आते हैं, उसमें अलग अलग आकार के पत्ते और अलग अलग कलर के पत्ते आते हैं, जैसे कि गोल्डन अरेलिया प्लांट, ऑर्नामेंट अरेलिया प्लांट, पिंक अरेलिया प्लांट, वेरीगेटेड अरेलिया प्लांट, वाइट अरेलिया प्लांट, इसके पत्ते बिल्कुल वाइट होते हैं, फील्ड अरेलिया या प्लम अरेलिया प्लांट होता है, जिसको मैं दिखाता हूँ। यह है सील्ड अरेलिया या प्लम अरेलिया, जिसके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। परंतु आज मैं ये दिखाई देता है ना, बिल्कुल वाइट एंड ग्रीन कलर के पत्ते वाला ये अरेलिया प्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये प्लांट को डिनर अरेलिया प्लांट बोलते हैं या पोलिस्किया बालफेरिया अरेलिया बोलते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी नहीं पड़ती। कोई भी अरेलिया प्लांट है उसकी देखभाल बहुत नहीं करनी पड़ती, उसमें फूल भी नहीं आते, पत्ते होते हैं और उसके पत्ते के कलर या उसके आकार से ही उनकी शोभा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है बिना फूल के, और लंबे टाइम तक रहता है, उसकी देखभाल भी नहीं पड़ती। और उसकी एक टहनी काट कर हम ले जाते हैं और उसे ले जाकर हमारे गैलरी में हम उसको कैसे ग्रो करना ये बताएंगे। ये तो है हमारी सोसाइटी का गार्डन है, वहीं ये दोनों प्लांट मैंने देखा और घर में भी मैंने पहले लगाई है, एक टहनी लगाई है और तैयार हो गए। उसकी एक टहनी काट कर हम ले जाते हैं, ठीक है, तो हम वहीं जाके बात करेंगे। तो उसको भी, ये अरेलिया प्लांट को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो उसके लिए भी 50% सैंड, 50% सॉइल और 50% सॉइल और थोड़ा सा खाद 10% के जैसा, थोड़ा कम ज़्यादा हुए तो कोई बात नहीं, ऐसे पॉटी मिक्स बनाना ज़रूरी है। पॉटी मिक्स बन गया, गमले में पॉलीथीन पेपर भी लगा दिया, सब में लगाते हैं वैसे ही, उसमें होल भी है और ड्रेनेज होल के ऊपर प्लास्टिक की जाली लगा देते हैं। अगर प्लास्टिक की जाली ना हो तो कपड़े की कपड़ा भी लगा सकते हैं, कपड़े में से पानी निकल जाएगा नीचे, और कुछ भी ऐसा रेशे भी जैसा कुछ लगा सकते हैं जिससे पानी ड्रेनेज हो जाए, और बॉटम में सूखी पत्ती डाल देवे जिससे पानी ड्रेनेज हो जाए, और उसमें थोड़ा से सॉइल डाल देवे, वो पॉटी मिक्स डाल देवे, पॉटी मिक्स थोड़ा डाल के पत्ती दब जाए और बराबर सेट हो जाए, ऐसा करे। फिर अरेनिया की डाली को लेके उसकी पत्ती को जो डंडी होती है ना वहाँ से कैंची से काट देवे, वो पत्ती काट देवे, तो उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिलेगा, वरना ज़्यादा न्यूट्रिशन पत्ती में जाएगा और पूरा जड़ नहीं निकल पाएगी तो ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए हमने पत्ती काट दी और एक पत्ती रखते हैं, सिर्फ एक पत्ती, क्योंकि दूसरी पत्ती उसके पास निकले थोड़ा बहुत वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना फूड बना सके, इसलिए एक पत्ती रखते हैं। ये पत्ती की डांडी है वो सूख कर अपने आप झड़ जाएगी, उसको पूरा इसलिए नहीं काटा कि
उसके नज़दीक में कोपले निकलती है, तो वहीं से ये ग्रो हो सकता है। और उसको खड़ा रख के गमले में ये मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी डालकर हमने उसको स्थिर कर दिया गमले में स्थिर करके उसमें उसमें ये है, उसको स्प्रे करके थोड़ा पानी पिला देते हैं। जब ऊपर से पानी सूख जावे तब उसको पानी पिलाना जरूरी है। गर्मी की सीजन में शायद रोज भी पिलाना पड़े, मगर बारिश की सीजन में उसको जरूरत के मुताबिक जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी पिलाने का, बहुत पानी पिलाने का जरूरत नहीं है। और ये मैंने ग्रो किया है, उसके पहले ये ग्रो किया था, यहाँ तक था, यहाँ एक पत्ती थी, ये पहली पत्ती थी, और बाजू में नीचे से ये डाली निकलती है, शाखा निकलती है, देखो ये है ना, शाखे के ऊपर एक पत्ती निकली, ऐसे शाखा निकलेगी। तो ये 2.5 महीने का पौधा हुआ, थोड़ा धीरे बढ़ता है, मगर उसकी हाइट 3 से 4 फुट या 5 फुट तक हो सकती है, और बहुत अच्छा पौधा लगता है। तो मैंने बतलाया पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ये ग्रो तय कर कर दिया, एक तैयार है, एक को ग्रो किया है, ये 2.5 महीने का हुआ, तो इतना बड़ा है, बढ़ता धीरे है, मगर बड़ा होकर अच्छा हो जाएगा। उसकी हाइट 3 से 4 फुट 5 फुट तक होती है, और बहुत किस्म के अरेलिया होते हैं, वो शो में बहुत अच्छे लगते हैं। और जब गार्डन की बॉर्डर पर हम इसे लगाते हैं तो एक अलग शो भी आता है, और गार्डन की सुरक्षा के लिए भी ये होता है, रह जाता है, बहुत अच्छा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन दबाइए। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।